हे एवरीवन हे कैन यू सी मी हियर मी लेट मी सी लेट मी सी हु ऑल अ मैम प्लीज कम फास्ट मैम प्लीज मैम इज देयर हाय एवरीवन हाय हाय वाओ जल्दी 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 आ जाओ सब लोग सब लोग जल्दी आ जाओ जल्दी से जल्दी से खुश हैप्पी स्माइली के साथ एकदम लेट मी सी यू ऑल आर हियर दीक्षा शिफा मानसी सोनू आयुषी करुण्या आंचल रक्षा शिफा पृथ्वी अंकिता ऋषि आनस यशवर्धन मोटिवेशन वाला mm, क्या बात है <laughs> तो यहां बुलाते हैं आपको एक एक दिन एम <laughs> कुमार वाह क्या नाम है <laughs> मतलब सही है वैसे आयुषी तोमर हिमांशु पुष्पेंद्र धर्मवीर सोनल इट्स अभिषेक या इट्स अभिषेक एकता साई अवंतिका जागृति और 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 कौन कौन है राहत सुनील रौनक हितेश कौशल ओ गो ओ ओ तो गो मैं मेरी स्क्रीन ना ऐसे व्हाइट व्हाइट दिख रही है मुझे मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे है ना तुम्हें पता है क्या होना चाहिए यहाँ पे

now there you go there you go now now you look happy yeah now we will start yes chalo 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 great akshat goyal hello chalo so guys i welcome you all to today's session and my name is Vinakshi sharma those who are watching me for the first time and i am a master teacher zoology on vedantu neat made easy channel सो so, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सो so, आज हम हैं इवोल्यूशन पे इसका थर्ड लेक्चर एंड वी आर स्टडिंग एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन राइट सो इवोल्यूशन का भी काफ़ी अच्छा रोल है हमारे नीट में काफ़ी अच्छी वेटेज है इसकी ठीक है सो लेट अस जस्ट स्टार्ट गाइज विदाउट नाउ डिले ठीक है रेडी एवरीबॉडी सब लोग रेडी है ना अभी यस यस हेलो मैम जी हाय सर जी इब बटन सो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो सो दैट यू कैन सी ऑल ऑफ़ द वीडियोज राइट एंड दिस इज अवर टेलीग्राम लिंक आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं के थ्रू आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं यू कैन विन वेदांत टी शर्ट एज वेल सो वेदांत नीट प्रो सब्सक्रिप्शन गाई सो ये आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें live teaching, experienced teachers, options to learn in english and hindi, instant doubt solving. okay, the subjects, syllabus so you can take that. So, if you want to take that, so for one month it is 6,000 rupees, for three months it is 5,600 per month, and for six months it is 5,200 per month, right? so if you want to take that, so link is given in the description box, you can use the code ms pro, you're going to get discount. i discount this is the window. you can kind of, you're going to get सो so, ये विंडो इस तरह का मिलेगा आपको सो फिफ्टीन हंड्रेड यू यूज द कोड एम एस प्रो एंड ने अभी ले लिया है ऑफ़ और ये हम लोग हैं अभी यहाँ पे ठीक है सो so, हम लोग हम लोग आज ओ, हम लोग आज यहाँ पे दोबारा मिलने वाले हैं शाम को सो इट इज ट्वेंटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग किसके लिए पता है वो जो बोर्ड्स के लिए सो so, बोर्ड्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जोलॉजी पोर्शन में से वी हैव कलेक्टेड लाइक एनालाइज इन प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है उसमें से ट्वेंटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जोलॉजी पोर्शन से हैं वो लेके आए हैं सो अटेंड दैट ठीक है तो आपके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उसमें बताया गया है कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं कैसे प्रेजेंट करने हैं राइट सो उसको जरूर अटेंड करिए चलो ये चलो भाई चलो रेडी गाइस सो डायनासोर यू नो सो आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी रॉयल काइंड ऑफ फेलो ओके सो वॉकड द प्लेनेट मेसोजोइक एरा राइट पूरा एरा ही ले लिया सो पीरियड से हमारा काम नहीं चलता है सो पूरा हीरा ले गए ये लोग रेप्टाइल्स नो सो सच माइटी ऑर्गेनिजम्स दे वर टूक दूरा huh? ले गए चलो भाई हाँ हमको पूरा चाहिए सो <laughs> गाइज so, हम लोगों ने अभी पिछला इरा जो कवर किया है नाउ नाउ वी आर ऑन मेज इराइटिटेड टू फोर्टी फाइव मिलियन ईयर्स अगो ठीक है टू फोर्टी फाइव मिलियन ईयर एंड इट इज नोन एज एज ऑफ रेपटाइल्स इसको हम क्या कहते हैं एज ऑफ रेपटाइल कहते हैं इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पीरियड्स पता है ना ईयर डिवाइडेड इन सुपीरियर मैंने बोला था कि ऐसे डिवाइड करते हैं इसको ऐसे नहीं करते हैं कि हाँ ये महीने फिर दिन फिर घंटे इस तरीके से नहीं ये बड़ी-बड़ी वो हैं ठीक है राइट सो दीस दिस गाइस वर दीस गाइस आई मीन दीस दिस क्रिएटर्स वर लाइक यू नो हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम ऑन दिस प्लेनेट अर्थ ठीक है तो काफी लंबे टाइम तक ये रहे थे तो पहला है आपका ट्रायसिक पीरियड ठीक है दूसरा है जुरासिक पीरियड जिसपे अच्छी बहुत अच्छी मूवी बनी है और तीसरा है क्रिटेशियस पीरियड ठीक है एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ राइट चलिए चलते हैं सो so, एक बार एक बार दोबारा से पढ़ लो कैसे है सीक्वेंस में ट्राइसिक जुरासिक एंड क्रिटेशियस पढ़ लिया ना तो इस इस तरीके से वो है पहले ट्राइसिक है फिर जुरासिक है फिर क्रिटेशियस है राइट चलिए चलते हैं आगे नाउ <laughs> चलो बताओ इन बिच ईरा द रेप्टाइल्स वर डोमिनेंट पहला ही क्वेश्चन आ गया चलो देखो कितनी अवेयरनेस है तुम्हारी में या एक दूसरे से बातें मार रहे हो यहाँ लेट मी सी क्या बात है क्या बात है क्या बात है कारुण्य कह रही तेजस्वी जस्वी कह रही है बी, बी, बी। hmm. बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप आते ही सुबह वेरी वेरी इंटेलिजेंट हाँ, मॉर्निंग में वाह क्या बात है गुड hmm. अवेयरनेस रखो सारी यहाँ पे सारा मिस इजरा करेक्ट आंसर जो पढ़ा हमने अभी तक है ना मिस इजरा राइट वेरी गुड चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट ट्राइसिक पीरियड गाइस तो ट्राइसिक पीरियड में क्या हुआ देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रेप्टाइल्स टू प्लेस तो रेप्टाइल्स की डाइवर्सिफिकेशन हो गई जैसे भी आप ये टर्टल देखते हो स्नेक देखते हो ये सब जितना भी लिजर्ड देखते हो ये सब उस टाइम तक आ चुका था उस टाइम तक सब सॉरी ये सब था ना फर्स्ट डायनोसोर अपियड तो इसमें डायनासोर पहली बार अपीयर डायनासोर मतलब होता है टेरिबल लिजर्ट टेरिबल होता था डायनोअसुर वहां से लिया गया है असुर डायनोसोर्स अपीयर फर्स्ट मैमल्स ऑल्सो अपियर प्रोटोथीरियंस दैट टू प्रोटोथीरियंस गाइड्स

आ? बड़ा छिपकली बड़ा छिपकली या बड़ी छिपकली बड़ी छिपकली <laughs> बड़ी छिपकली हम छोटे थे तो एक वो आता था डायनासोर का वो आता था एक गाना था वो छिपकली के नाना है ऐसे करके छिपकली <laughs> के नाना है डायनासोर इस तरीके से आता था पता है तुम लोगों में से कितने लोगों ने सुना है वो सो इट वॉज इट वॉज अ वेरी गुड कार्टून छिपकली के नाना इज डायनासोर <laughs>

तो ये पूरा डायनासोरस का हीरा था ऑल्सो टूथ बर्ड अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम बर्ड टूथर हुए आपको पता है कि आज के जो प्रेजेंट right? बर्ड पहली बार आए नंबर वन ठीक है ऑरिजन ऑफ द अर्ली प्लसेंटल मैमल्स टू प्लेस तो देखो जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैंने वही आपके सामने प्रेजेंट करी अदरवाइस पढ़ने को बहुत कुछ है वेरी बहुत कुछ है तुम चाहे इसको शाम लगा दो पढ़ने को राइट बट जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है पुट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू राइट सो या ओरिजिन ऑफ अर्ली प्लेसेंटल मैमल प्लेसेंटल मैमल्स भी अपेयर हो गए साथ-साथ में इनके ठीक है एंड ऑफ कोर्स इट वाज डोमिनेटेड बाय द डायनासोरस राइट चलिए आगे चलते हैं जुरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल इंडिया पीएमटी 2006 बताओ देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं यहां से hmm? प्लीज़ देखिए क्या रिपीट कीजिए बेटा रिपीट क्या कीजिए ललित जी क्या रिपीट कीजिए गुड मॉर्निंग अर्पित पटेल जी भाई सब सही आंसर देंगे सब लोग पहले देख लो अच्छे से अब ये मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि ध्यान पूरा बोर्ड पे रखा करो ठीक है हुँ। <coughs> हुँ। ठीक है ठीक है तो बहुत लोग कह रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं बी कुछ लोग कह रहे हैं सी कुछ लोग कह रहे हैं डी अभी तुमको पढ़ाया पीछे जुरासिक पीरियड ऑफ द एरा इज कैरेक्टराइज बाय जिमनोसफर्म्स आर डोमिनेंट प्लांट एंड द फर्स्ट बर्ड्स ए अभी देखा ना हमको हमने देखा फ्लावरिंग प्लांट्स तो आए नहीं ना अभी मैंने बोला अभी फ्लावरिंग प्लांट्स आर स्टिल अवेटेड ठीक है तो ए तो आंसर नहीं होना था ओरिजिन ऑफ मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था डायनासोर बिकम एक्सटेंट क्या बात कर रहे हो डायनासोर बिकम एक्सटेंट डी वाला को तो एक लाओ इधर है डंडा लाओ इधर ये डंडा रखा है डायनासोर बिकम एक्सटेंट पागल हो गए हो क्या जोरासिक लिखा हुआ हो ये रहा है भाई दिस इज लाइक दैट ओके ठीक है ठीक है हाँ कोई बात नहीं साइड समाइली भेज रहे हो हाँ, लगना चाहिए पूरा बिल्कुल लगना चाहिए इतना पढ़ाया जा रहा है तुमको दो तीन लाइन लिखवाई है यार तुम उसको भी नहीं अच्छे से पढ़ रहे हो कैसे चलेगा

मतलब चले गए वो एकदम एकदम एक्सटिंक्ट हो गए थे तो उसके कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बहुत सारी थ्योरीज बहुत कुछ बोलती हैं कोई कहता है कि अब uh, क्या हुए कोई कहता है कि वेदर चेंज होने लग गया दे कुड नॉट सर्वाइव बहुत सारी चीजें हैं मास एक्सटिंक्शन अकर्ड किसका डायनासोर्स एंड टूथ बर्ड एक्सटिंक्ट है ना टूथ वर्ड एक्सटिंक्ट हो गए स्प्रेड ऑफ द प्रिमिटिव मैमल्स अकर्ड जो प्रिमिटिव मैमल्स थे उसका स्प्रेड होना शुरू हो गया लेकिन मैमल्स अभी मैमल्स डोमिनेट होने लग गए थे राइट टूथलेस बर्ड्स वर देयर

फ्लावरिंग प्लांट्स राइट चलो हाँ आर आई पी आर क्यूपिटेरिक्स नीक है तो चलिए पीरियड इज़ क्रिटेशन नाउ चलिए डायनासोर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इराज दीजिए आंसर अब किसी ने गलत आंसर दिया ना मार पड़ेगी मैम मास एक्सटेंशन मास एक्सटिंक्शन जैसे कि कोरोना खत्म नहीं हुआ तो सारी की सारी ह्यूमन ट्रेसी स्वर्ग सुधार जाएगी ठीक है मतलब हम गए सब एक साथ ठीक है तो इसको बोलते हैं मास एक्स्टिंशन। मास एक्स्टिंशन मतलब सारा का सारे स्पीशीज एक ही बार में धीरे धीरे करके खत्म हो गई बस चलो गई सारी बचा ही नहीं कुछ बी क्या कहते हैं बी आंसर्स है वाह क्या बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप वाह छा गए तुम वाह 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 वाहनोसोर डॉमिनेटेड फॉलोइंग जियोलॉजिकल मेसोजोइक है मुझे बताओ तुम नलायकों जुरासिक ईरा है क्या है जुरासिक ईरा है नलायक बोलोगी मैं ऐसे हैं? पीरियड है वो ट्राइसिक जुरासिक, क्रिटेशियस, क्या कर? क्या हो तुम तो लोग बी 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 डायनासोर देखा बस ये ये ऐसी गलतियां पेपर में करके आओगे ऐसी ही गलतियां पेपर में करके आओगे किसका सही था किसका सही था किसका नहीं सही था हम्म हाँ तो करो तुम तो मस्ती करो एक दूसरे के साथ में हाँ करो हाँ पागल बच्चे निकाल लूंगी वीडियो से बाहर ठीक है अरे वो लायक कोई दिक्कत नहीं है लगना चाहिए बुरा बिल्कुल लगना चाहिए ऐसे सिली मिस्टेक करते हो तुम गलती से मिस्टेक नहीं चलेगा यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा चलो जाओ इधर जल्दी आओ इसीलिए तुम्हें क्वेश्चंस डालती हूँ बीच में ताकि तुमको पता चलता रहे साथ साथ में अवेयरनेस आती रहे तो खेल चलो ठीक है थ्योरी चल रही है सामने कोई दिक्कत नहीं है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे है ना उस जोन में रहते हैं ताकि आपको ये सच्चाई से आपका क्या कहते हैं उसको साक्षात्कार होता रहना चाहिए देख रहे हो हिंदी देख रहे हो <laughs> साक्षात्कार होता रहना चाहिए आपका सच्चाई से कि भाई हम कितने पानी में बिल्कुल होना चाहिए ठीक है चलो अब आते हैं सेनोज़ोइकरा ठीक है सेनोज़ोइकरा गाइस इट एग्जिस्टेड 65 मिलियन इयर्स अगो राइट अब देखता है क्या टू पीरियड्स इसमें दो पीरियड मेन है और पीरियड पीरियड्स आपको पता है ये अ एपॉक्स में डिवाइडेड होते हैं ठीक है ना है इराज देन पीरियड्स देन एपॉक्स ठीक है तो इसमें हम एपॉक्स भी देखेंगे राइट सो दो पीरियड्स हैं टर्शियरी पीरियड ठीक है एंड क्वार्टरनरी पीरियड ठीक है टर्सनरी पीरियड हो गया और क्वार्टरनरी पीरियड हो गया राइट अब देखिए बेटा टर्सरी पीरियड में देखिए पेलेयोसीन ईओसीन अलिगोसीन मायोसीन एंड प्लायोसीन ये तो हो गया टर्सरी पीरियड ये हो गया आपका क्वार्टरनरी पीरियड जिसमें कि प्लाइस्टोसीन है ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप्ड तो यहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप होना शुरू हो गई थी

देखो इसको मैं वैसे मना सकती इसका मेमोनिक बट इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ठीक है मतलब ओके सॉर्ट ऑफ है तो यू मेक योर ओन मेमोरिक एंड शेयर विद शेयर इट विद मी मेल करो टेलीग्राम पे भेजो लेकिन शेयर करो मेरे साथ जरूरत हुई तो आई विल कम अप विद विद द मेमोनिक ठीक है सो मेक योर ओन मेमोनिक द बेस्टेस्ट आई विल चूज एंड आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू मे वी आल मेक द म्यूजिक आउट ऑफ इट हु नोज ठीक है सो डू दैट ओके देन फायलोजनी पढ़ते हैं हम लोग अब देखो वैसे तो हॉर्स की फाइलोजनी हमारे सिलेबस में अभी हट चुकी है बट मैंने फिर भी दो तीन चीज़ें उठा ली हैं मुझे ऐसा लगा कि अरे यार कभी ना कभी ना क्वेश्चन देखा गया इसमें से ठीक है सो so, एक एक होता है ना जब माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना चीज़ का तो एक बार आपने पढ़ी वो चीज़ है ना कोई बच्ची मुझसे पूछ रही थी कल एक कि मैम मुझे बताओ यार कि मेरे को सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए या फिर क्योंकि लास्ट ईयर टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा यू नो जिसके वाइज की जैसे कि वेटेज वाइज राइट एग्जैक्ट वेटेज वाइज मुझे बच्ची का नाम नहीं याद आ रहा तो उसने मुझे बोला कि मैम मैम मैंने वेटेज वाइज पढ़ा लेकिन आया नहीं आपको क्या करना होता है वेटेज इज जस्ट एन आइडिया कि यहाँ से आ सकता है देखो उसमें माइनर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड तुम ये सोचो कि एग्जैक्टली exactly वैसा आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है द नादर नादर थिंक इज दैट अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर होना किसी चीज का दैट मीनस आपका बेसिक क्लियर है उस चीज का मानो मानो भगवान अगर ऐसा हो कि मानो कि अगर तुम्हारे पास नहीं टाइम मिला उसको रिवाइज करने का अगर नहीं टाइम मिला रिवाइज करने का अगर आपके माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर होगा ना यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर कई ऐसी चीजें होती है पेपर में जो हमने कभी पितने कितने टाइम पहले पढ़ी तो एकदम से फटाक से याद आ जाती है कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है रिवाइज करने का टाइम नहीं लगा लेकिन पेपर में क्वेश्चन आया तो एकदम से एकदम से याद आ गया ऐसे करके कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है हाँ? हुआ है ना हुआ है ना बताओ बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा ठीक है यस यस यू नो तो अपने माइंड की टेंडेंसी को हाँ देखो सब लोग कह रहे हैं मैम हमारे साथ हुआ है बहुत बार यू नो वॉट माइंड की टेंडेंसी समझा करो जब उसको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है ना किसी चीज का स्ट्रक्चर तो वो लूप में याद रखता है ऐसे करके अच्छा इसके बाद ये था ये था ये था ये था तो आपको याद रहती है वो चीज ऐसी चीज आपको पेपर में याद आती है जो समझ के पड़ी होती है जो रटना मार के पड़ी होती है चीजें ना वो याद नहीं आती पेपर में कभी भी तुम ट्राई कर लो इस चीज को चाहे ठीक है बिकॉज लॉजिक लगाया होता तुमने उस चीज में तो, तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ गई होती है क्रैमिंग करोगे तुम पढ़ोगे दो तीन बार जाओगे थोड़ी देर बाद भूल जाओगे आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई बीन टू दिस प्रोफेशन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम आई बीन स्टडिंग बायोलॉजी मोर देन यू यू नो फ्रॉम दीज ऑलर्स राइट ठीक है चलिए तो कहता है बच्चे एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में फाइलोज मॉडर्न आपको बताया इक्वस फेरस केबैलस इसी के नाम पर क्वेश्चन आ गया था ध्यान सारा इधर रखना चैट में कम ध्यान देना ऑर्डर किससे है अपना मेमिलियन ऑर्डर से पेरिसो डेक्टाइला इस ये भी था क्वेश्चन में आपको बताना था पेरिसो डेक्टाइला

हम लोग ऐसे चलते हैं ना पूरा सोल हमारा इस तरीके से है ना कोई ऐसा तो नहीं चलता है कोई ऐसे ऐसे चलते हो क्या ऐसे करके ऐसे नहीं चलते ना हम लोग हम लोग ऐसे चलते हैं ठीक है अब कार्डि ऐसे चलते हैं अपने से पंजे पे चलते हैं इस तरीके से ठीक है एंड नाउ ये जो हॉर्स है ना बच्चे ये ऐसे चलते हैं ऐसे तो इसमें से ये जो फिफ्थ ऐसे जब भी हम लोग काउंटिंग करने लगते हैं तो हमेशा यहां से काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो ये वाला जो था ना और ये वाला ये वाला तो इसमें एक्सटिंक्ट ही हो गए थे फाइलोजनिंग के दौरान ठीक है तो क्या हो गया ये ये वाला जो है है ना सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये क्या हुए बच्चे सेकेंड एंड फोर्थ ये भी रिड्यूस हो वॉकड ऑन दिस ऐसे करके वॉक किए वो ठीक है ये इनका अडेप्टेशन था रनिंग के लिए तो वो एक ही डिजिट पे मूव करते हैं दैट टू ऑन द टिप ऐसे प्रोसीजर को कहते हैं अंग्यूलेट यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है और जो कि ये वाला और ये वाला ये था ना इसका जो डिजिट था ये भी इसका क्या हो गया चला गया ड्यू टू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हम ऑर्गन में पढ़ेंगे इनको स्प्लिंट्स कहते हैं अब सो so, दिस है ना हाँ नीट क्वेश्चन पर इसको डिगटाइला है दो हजार सत्रह में क्वेश्चन आया है ये तो सम समझ समझ जाइए इस चीज को अंगुलट का मतलब होता है ये समझ आ गया सबको समझ आ गया ठीक है तो one एक ही पे करते हैं इस पे और ये वाले जो हैं वो भी इसके स्प्लिंट तो देखना अभी है तो भागने के लिए अडाप्टेशन है वो उसका ठीक है सबको समझ में आ गया ना ये आ गया ये पिक्चर दिख रही थी वैसे तुम्हें बट ये दिखेगी नहीं बट ऐसे यही दिखाया हुआ इसमें इक्वस का ठीक है दी सॉन्ग आर द टिप दीज सॉन्ग्स देखो तुम देख रहे हो सॉन्ग सॉन्ग कर रहे हो तुम यहाँ पे कौन है ये बच्चा सॉन्ग ओह गॉड हटाओ इस बच्चे को यहां से देखो ध्यान हटा दीज आर अंग्यूलेट्स अंग्यूलेट्स है ये ठीक है मूव ऑफ द टिप्स ऑफ द डिजिट्स पागल बच्चे पागल कर दिया तुमने मुझे भी ठीक <laughs> है समझ में आ गया ठीक है चलो गा देंगे गाना भी चलो यहाँ पे आओ तुम चुप चाप फाइलोजेनी ऑफ द हॉर्स तो हॉर्स की फाइलोजेनी क्या है क्या है कि कैसे वो किए करेंगे सॉन्ग भी करेंगे ध्यान दो तुम खूब बच्चे तो क्या हुआ ड्यू द कोर्स ऑफ देखो जो शुरू वाला हॉर्स था ना जिस शुरू जिस शुरू वाला हॉर्स था इट वॉज डॉग साइज

डेवलप हुआ ठीक है <coughs> पहले क्या करता था पहले वो ब्राउजिंग करता था browsing मतलब soft, soft food को खाता था था ठीक है तो so, तो ये ये किसके लिए लिए के से उसने क्या किया अडेप किया अपने आप को ग्रेजिंग की तरफ किया तो ये मोलर्स में रिजेज आ गए ठीक है स्ट्रक्चर बना माइंड में कुछ बना माइंड में कुछ स्ट्रक्चर और नो बन गया ठीक है तो ये इसकी फाइलोजनी है हॉर्स की फाइलोजनी क्या होती है कोई पूछोगे मैम ये फाइलोजनी क्या है बताओ फाइलोजनी क्या है? जल्दी लिख के बताओ 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 फाइलोजनी क्या होती है <coughs> देखें हमारा कौन इंटेलिजेंट बच्चा है हाँ बताओ बताओ दिनेश ऋषभ हम्म हम्म अक्षिन बताती हूँ मैं बताती हूँ चलो पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो तो हाँ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विनीता कह रही है और हाँ फायलोजनी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हिस्ट्री ऑफ लाइफ शुक्र है पूछ लिया ये तो बड़ा कुछ डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकल के आ रहे हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फायलोजनी क्या है बेटा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लिखो इसको रिलेशनशिप है तुम सीधा फायलोजनी इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लिखो अपनी कॉपी में भी लिखो लिखो इसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ठीक है कि हॉर्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है ये क्या था एक डॉग साइज हॉर्स से देखो इतना बड़ा साइज ऑफ हॉर्स आ गया उसमें क्या हुआ ये हुआ ठीक है राइट इंक्रीज इन हाइट रिडक्शन इन नंबर ऑफ टोज इंक्रीज साइज ऑफ द मोलर एंड दिस एंड दैट राइट चलो चलो ठीक है चलो समझ आ गया ना समझ आ गया सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही सत्यनारायण भगवान की जय <laughs> पता ही नहीं चल रहा है भाई इसका इसका मतलब क्या है हम कर क्या रहे हैं तो चलो ये भी तुम्हारे को होमवर्क है मेमोनिक है मैं इसका म्यूजिकल मेमोनिक दूंगी वैसे मैंने बना लिया है अभी नहीं दूंगी दूंगी भाई तुमको इतना स्पून फीडिंग की आदत नहीं डालेंगे बट अगर तुम कर सकते हो तो बनाओ ठीक है चलो तो कहता है शुरू कहां से हुआ देखो मैरी क्यों नहीं गाना बनेगा उसपे आराम से गाना बनेगा एंड ईकूस मीजो हिपस मैरी प्लायो हिपस इक्वस ठीक है हैं चलो आई चैलेंज यू आई चैलेंज यू क्यों कोई में musical memory मुझे म्यूजिकल मेमोनिक मुझे पता तो मैं से बहुत सारे बहुत लोग गिटारिस्ट है यहां पर चलो आई चैलेंज यू बना दो म्यूजिकल मेमोनिक मुझे इंस्टा पे टैग कर देना ठीक है मुझे पता मेरा इंस्टा मिल चुका है अभी तक चलो ठीक है टैग कर दो मुझे ठीक है मैरी प्लायो हिपस इक्वस इक्वस दिस इज मॉडर्न हॉर्स राइट चलो मॉडर्न हॉर्स ये आपका मॉडर्न हॉर्स है राइट right? ठीक है सो so, इस तरीके से है ये फर्स्ट वन टोड हॉर्स जो है वो प्लायोहिपस पे आया था मतलब इस इस पे आया था है ना प्लायोहिपसिस इस इस वाली स्टेज पे आ गया था राइट ठीक है सो मॉडर्न हॉर्स लाइक दैट ठीक है ठीक है ना चैलेंज एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड चैलेंज देखें जरा जो लोग थोड़ा म्यूजिकल हैं बाकी तो हम लोग देख के मजे करेंगे ठीक है राइट सो दिस इज द गाइज अब देखो वैसे तो बहुत कम चांसेस है इसके आने के लेकिन आ सकता है सो यू प्लीज रिमेंबर इट इन सीक्वेंस में रिमेंबर करना आपको पता है ये क्योंकि फाइलोजनी है उसकी ऐसे वो डेवलप किया है एक दूसरे से सो लाइक दैट राइट चलो डन <coughs> नो no, इतना हो गया ना सबका सबको क्लियर है यहाँ पे हाँ huh? ये सबको क्लियर है यहाँ तक यहाँ पे किसी को कोई डाउट किसी को बताओ राइट यस और नो फाइलोजनी ऑफ द हॉर्स में कोई डाउट किसी को यस क्लियर है सबको ओके ग्रेट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो शाबाश चलते हैं आगे चलते हैं <laughs> स्क्रीन शॉट ले लो यारीन शॉट क्या लेना में ले, में ले लो बाद वीडियो पॉज करके भी रहे द अर्लीस्ट फॉसिल फॉर्म इन द फायलोजनी ऑफ द हॉर्स इज ऑल इंडिया पीएम टी बस नाइनटीन नाइनटी फोर में आता था, था पूरी फायलोजनी हुआ करती थी हॉर्स की बट चलो फिर भी बता दो अर्लिएस्ट फॉसिल फॉर्म क्या है देखो चल पहले इसका आंसर दे दो फिर मैं आपको इतना बता दू अर्लीस्ट है ना सबसे पहले वाह वाह वा, वेरी गुड देखा अभी थोड़ी डांट डांट का असर हो गया डांट पड़ती रहती है ना बीच में तो बढ़िया रहता है है ना अभी देखो सही आंसर आ रहे हैं सारे वाह वाह क्या बात वा, वा, है क्या बात है हाउस ऑफ द हाउस हैं सारे विनर ऑफ द हाउस हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया छा गए तो इिपस इज द राइट आंसर एक्टलीट इज ट्रू का एक चीज मुझे तुमको बतानी है दैट कभी भी वैसे तुम लोगों को यह टेंस में पढ़ाई जा चुकी है अब पता नहीं तुमको कितना याद है कि नहीं याद है पेन evolution is, अच्छा पूछते हैं इज इवोल्यूशन लैडर प्रोसेस और अ ट्री प्रोसेस इवोल्यूशन एक लैडर प्रोसेस है या ट्री प्रोसेस है

तो दैट इज वाई अब हमको इससे क्या पता चलता है कि जो हॉर्स की इवोल्यूशन हमने पढ़ी तो ऐसा नहीं कि है कि इक्वस एक ही हॉर्स हुआ होगा इसमें से भी और सारे भाई डाइवर्सिफाई होंगे आगे राइट देन उसके बाद भी जैसे कि है ना मेरिट टिपस है ना इस इस तरीके से हमने जो देखा पीछे तो काफी ज्यादा उन भी डाइवर्सिफिकेशन आगे हुई, हुई हुई हैं लेकिन वो अपने अपने रास्ते गए आगे हमारा हमने किसको पढ़ा हमने मॉडर्न हॉर्स को पढ़ा कि ये, ये इसका किससे वो थे हो सकता है आगे डाइवर्सिफाई हुआ, हुआ आगे डाइवर्सिफाई इट्स ऑलवेज अ ट्री प्रोसेस राइट इसको ध्यान में रखना है इसको हम आगे दोबारा भी डिस्कस करेंगे पर इसको इसको कभी दिमाग में वो मत आने देना इसका इट्स अ ट्री प्रोसेस ऑलवेज रिमेंबर चलिए कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक्स के बारे में देखते हैं तो आपका फेवरेट आ गया ये सॉरी अबाउट दैट आपका फेवरेट आर्क्योपोटे आ गया जिसको आप आर आई पी कर रहे थे सो आर्योटेरिक्स गाइस तो हमारी माइथोलॉजिकल उसमें वो है ना याद है मतलब ऐसे याद करें जटायु पता तुमको जटायु कहते लोग जटायु पता है जटायु होता है ना वो हमारी माइथोलॉजी में रामायण में है ये। yes. में। ना जटायु उसकी तरह तो कैरेक्टर्स उसकी तरह है राइट सो जटायु जैसे काइंड ऑफ यू कैन से ठीक है तो दो तरीके के लिंक्स बच्चे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक ठीक है कनेक्टिंग लिंक जो दूसरे एक दो इसको कनेक्ट करते हैं ठीक है ना दो मतलब एक वो ट्रांजिशन हुई ना स्पीशीज के बीच में उसको कनेक्ट करते हैं और मिसिंग लिंक मतलब है ना मिसिंग लिंक भी काइंड kind ऑफ of, उसी कैटेगरी में आ गए राइट सो कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक अब देखिए ये था आपका हमारा आर्क्योपटेरिक्स इट इज वॉज बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स ये गया भाई रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में था ठीक है तो उसके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या थे बच्चे इसमें क्या टीथ थे ठीक है है ना तो इसका पांच इसका ना पांच डिजिट्स है ना पांच स्टर्नम ठीक है ना स्टर्नम विदाउट कील फ्री की वर्टिब्रे क्या था उसका कॉर्डल वर्टिब्रे फ्री था बोन्स आर नॉट न्यूमैट्रिक न्यूमैटिक मैंने हॉलो है ना हॉलो बोन नहीं थी इसकी तो ये उसके हो गए रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या हो गए रेप्टील कैरेक्टर हो गए अब देखो इसको ध्यान से देख लो अब इसी में से कुछ कभी क्वेश्चन बन जाता है कि इसी में से एक आधा कैरेक्टर पूछ लिया जाएगा आपको सो so, ये रेप्टील कैरेक्टर हो गए ये बच्चे इसका फॉसिल है आर्क्योपेटेरिक्स का तो दिस इज हाउ इट लुक लाइक आपको इसके बहुत सारे पिक्चर्स भी मिल जाएंगे तो वो स्केच स्केचेस बनाए हैं आर्टिस्ट लोगों ने ठीक है तो इस तरीके से अभी के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता है ये ठीक है ना इट हैज वो जा चुका है

ऐसे होता है ना भाई आ जाओ हाँ ऐसे करके फोक लाइक -like स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, ऐसे करके दो बौन, दो बौन, को होने से ना तो उसको हम कहते विश बोन के नाम से भी जानते हैं इसको ठीक है यू गॉट दैट यस ठीक है तो ये इसके एवियन कैरेक्टर्स हो गए तो उसको ध्यान में रख लेना बच्चा ठीक है हाँ अच्छा अब बात करते हैं लिविंग फॉसिल्स की ठीक है लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है बच्चे ध्यान से सुनना सब लोग सुन रहे हैं ध्यान ध्यान से से हम्म सुनना सब लोग मैम का इंस आईडी क्या है मैम का आईडी मैम के नाम से ढूंढ सकते हो आपको मैम मिल जाएगी इतना तो मेहनत करी लो मैम को ढूंढने के लिए ठीक है लिविंग फॉसिल्स का मतलब क्या होता है दैट द ऑर्गेनिजम्स जो कि जैसे एग्जिस्ट किए थे पुराने टाइम में तो उनमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या तो बहुत ही कम चेंजेस हुए हैं या तो चेंजेस हुए ही नहीं है तो लिविंग फॉसिल इसलिए बोला कि उसका जो फॉसिल हजारों लाखों साल पहले मिला और आज में जो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ वो वैसे का वैसा ही है उसको कहते हैं लिविंग फॉसिल है ये क्या है लिविंग फॉसिल है समझ में आ गया अभी सबको समझ में आएगा तो ऐसे कौन कौन से हैं बेटा लिम्यूलस किंग क्रैब नोट कर लेना हाँ, इसको नोट हाँ जी हार्दिक खंडेलवाल जी बिल्कुल सही जवाब देखो इसको नोट कर लेना ऐसे क्वेश्चन आ जाते जा जा हैं इस पर लिम्यूलस किंग क्रैब ठीक है लिविंग फॉसिल लैटिमेरिया लोब फिंड फिश ध्यान से देख लेना कभी कभी नाम से क्वेश्चन ना आ जाता जा है आपको राइट सो लैटिमेरिया चलिए आगे चले देख लो 1997 क्वेश्चन आ गया था आज आज भी आ सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जामिनर का फेवरेट है जैसे वो क्रोकोडाइल वाला है ना हार्ट चैम्बर्स वाला फेवरेट है ये भी फेवरेट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ लिविंग फॉसिल टेल मी ऑफ़ द फॉसिल्म चलिए रमा शंकर जी थैंक यू वेरी मचको बायलोवा एग्जैक्टली एक नई चीज हमने सीख लिया गिंको है ना ठीक है ना गिंको क्या है जिम्नोसफॉर्म है एनजीओ स्म है बताए तेरा बॉटनी तुम तो, तुम्हारी बॉटनी तो अच्छी ही होगी ना ठीक है हाँ तो क्या हो गया जिम्नोसफॉर्म है ये है ना हाँ गिंको बैल ओवर जिम्नोसफॉम है ये पढ़ा था ना कौन से क्लास में नाइन्थ क्लास में पढ़ के आयो तुम ये नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना ये हाँ ठीक है चलो वेरी गुड तो ये गाइस फिर नीट अभी क्लास ओवर नहीं हुई है भागना मत ये ले लेना है बेटा आपने तो आप ले सकते हैं एम एस नीट कोड यूज कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है राइट वेरी गुड चलिए और लिविंग फॉसिल्स हैं बच्चे अगर देखिए uh, स्फिनोडॉन स्पिनोड ट्यूटारा ट्यूटारा के नाम से जानते हैं तो ये भी लिविंग फॉसिल है अगर पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा अभी न्यूजीलैंड में ही मिलता है सिर्फ ठीक है ना न्यूजीलैंड में ही आपको ये मिलेगा अभी स्पिनोडॉन राइट right? हमने प्लांट्स भी उठा लिए हैं तो साइकस और गिंको आप पढ़ के आई गए हम लोग है ना दोनों को भी ने क्या कर दिया था रिप्लेस कर दिया था तो अभी तुम देखो जिम्नोस्पर्म्स अभी हिल्स में ही मिलते हैं मोस्टली जो प्लेन लैंड वगैरह एंजियोस्पर्म्स डोमिनेंट है हिल्स में लेकिन जिम्नोस्पर्म्स क्या है हिल्स में ही रह गए ठीक है तो एंजियोस्पर्म्स आर द प्रेजेंट प्लांट्स प्रेजेंट फ्लावरिंग प्लांट्स आर द डोमिनेंट प्लांट्स ऑन द अर्थ राइट ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो गाइज इट वॉज हमारा हो गया ये ईरास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया अब हम चलते हैं अपना मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस की तरफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस की तरफ चलते हैं बच्चे तो हमारे पास क्या है मुझे लगता है कुछ मिसिंग है बीच में से यहाँ पे है ना नहीं नहीं हो गया हो गया हो गया ठीक है ठीक है ठीक है है नहीं नहीं वी वी गॉट इट अंडर कंट्रोल सो गाइस देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजी का मतलब समझे मॉर्फो मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो कहता है हम ऐसे भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देख के भी हम लोग पता किए दैट ओके इवोल्यूशन इज हैपनिंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर This is तो इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखते हुए ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन तीन ऑर्गन हम लोग पढ़ेंगे राइट समझ आ गया हाँ ये बड़ी आपके मिथ टूटेंगे यहां पे सिमिलर ऑरिजन ये ऑरिजन फिर पेपर में क्वेश्चन आ गया फिर गलत लॉजिक लगा दिया क्योंकि गलत पड़ा था और क्वेश्चन गलत कर दिया और चार नंबर गए तो ध्यान से देखना है इनको भी चीजों को कि क्या मिथ है कि क्या एक्चुअली ट्रू है और क्या एक्चुअली ट्रू नहीं है जिसमें वेरिएशन भी हो सकती है क्या सिमिलर रीज़न होना जरूरी है क्या डिफरेंट फंक्शन होना जरूरी है कि नहीं आई घड़ी माई पॉइंट ठीक है यस यस एवरीबडी इज रेडी समझ में आया सबको तो इसको ध्यान से पढ़ना है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कितने लोगों के पास टेंथ की एनसीआरटी जरा लिख के बताओ मुझे यहां पर टेंथ की एनसीआरटी कितने लोगों के पास है हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेंथ का एनसीआरटी टेलमे वेरी गुड बहुत बढ़िया सब ऑलमोस्ट बच्चों के पास है जो बच्चों के पास नहीं है वो डाउनलोड कर लो हाँ अपना उसके साइड से जाके एनसीईआरटी की साइड से मिल जाएगा क्यों डाउनलोड करना है वो भी बता देती हूँ आपको ये जो होमोलोगस ऑर्गन्स के हैं ये टेंथ क्लास की एनसीईआरटी से भी पूछ लिए जाते हैं आप ये मत सोचना कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के चला जाऊंगा तो मेरे नंबर पूरे आ जाएंगे हाँ आ जाएंगे पूरे बट फॉर द एग्जाम्पल यू शुड कंसल्ट योर यथ की एनसीईआरटी ऑल्सो फॉर द इवोल्यूशन पार्ट आपने टेंथ में इवोल्यूशन पढ़ा है ठीक है दान कर दिया था तो उसको डाउनलोड कर लो उसे समझ में आ गया सबको ठीक है चलो तो so, चलिए बच्चे सबसे पहले हम लेते हैं होमोलोगस होमोलोग मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है दिस इज हाउ आई मेक द नोट्स ठीक है मैं अभी नोट्स रखी नहीं हूँ अपने पास में सो दिस इज दिस इज हाउ आई मेक द नोट्स राइट ये देखो अच्छा तुमको कभी किसी को ये लगता होगा कि भाई मैम क्या करती है ये नोट्स कहाँ से आते हैं तो दीज आर द नोट्स ये सब रिटर्न फॉर्म में यहाँ पे पड़े हुए हैं ठीक है थीके? बहुत सुंदर तो नहीं लिखा है मैंने बट इट इज रिटर्न फॉर्म तो ये सारे तुम्हारे सामने रिटर्न नोट्स ही है so, कोशिश किया यहाँ जैसे होमोलोग का की वर्ड निकाल के यहाँ रख दिया है क्लाउड की फॉर्म में राइट right? सो so, इसमें क्या है आपको की पॉइंट पता चल जाएंगे कि मुझे यही देखना है मुझे पता है तुम सबको होमोलॉगी पता है वॉट इज होमोलॉगी इट इज द सेम ओरिजन है ना तुम पढ़ के आए हो यहाँ पे इंटेलिजेंट हो ना तुम हाँ सो सेम ओरिजिन गाइस होमोलॉजी होमो मतलब क्या होता है होमो मतलब सेम सो व्हाट इज सेम द सेम ओरिजिन तो ये आपका की पॉइंट है नंबर वन। आपने क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने देखना है देखना कि ओरिजिन उसका सेम ही होना चाहिए किसका ऑर्गन का ओरिजिन मतलब सेम होना चाहिए राइट फंक्शन मे और मे हैव डिफरेंट फंक्शन ये कंडीशन नहीं है फंक्शन डिफरेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है राइट right? समझ में आ गया इसको नोट कर लीजिए फंक्शन डिफरेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तीसरा शोज कॉमन एनसेस्ट्री तो कॉमन एनसेस्ट्री एक की पॉइंट हो गया तो देख रहे हो यहां पे मैंने ये लिख दिया होमोलॉजी नंबर वन सेम ओरिजिन नंबर टू ठीक है फंक्शन नहीं लिखा मैंने क्योंकि फंक्शन मे और मे नॉट है कॉमन एनसेस्ट्री मतलब एनसेस्टर जो है वो कॉमन रहे हैं देखो वैसे तो हमारे सबके एनसेस्टर कॉमन रहे हैं क्या बैक्टीरिया के टाइम पे हम सब बैक्टीरिया से होके निकले हैं लेकिन हम रिसेंट एनसेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो कहता है इस वजह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या हुआ सपोज एक वन पॉइंट है डाइवर्स कर गया ऐसे करके तो क्या बोला हुआजन सेम है ऑरिजन सेम था सेम ऑरिजन बट फंक्शंस क्या हो गए डिफरेंट हो गए तो ये फंक्शंस हो गए नॉर्मली यही केस होता है ना तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्ज हो गई ना इस तरीके से ये सो सो लाइक न ऑलसो यूज अ सेम यू नो कोई कंपल्सन नहीं है इट जस्ट एन आइडिया सो यू कैन डू दैट आप मैंने क्लाउड बनाया तुम स्को आई लाइक द क्लाउड्स सो लाइक दैट एनी वेज सो फंक्शन इस तरीके से ओरिजिन तो इससे कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ये वॉट इज इट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो ये आपके की पॉइंट है ध्यान रख लेना समझ गए ठीक है ठीक है ना तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए अच्छा रहेगा आपको रिमेंबरेंस ईजी हो जाएगा अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पे ही आते हैं टेंथ की एन से मैंने कवर जरूर कर दिए हैं आपको या तो मेरे नोट्स पढ़ लो तब भी हो जाएगा या टेंथ की एन पढ़ो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि ऐसे जाई ओडी हुई है ऐसे उठते हैं और ऐसे देख रहे हैं ऐसे पकड़ के मोबाइल हाथ में कितने लोग ऐसा कर रहे हैं लेट के पड़े हुए ऐसे है ना ज्ञान की प्राप्ति के लिए ढंग से बैठना पड़ता है तभी ज्ञान प्राप्त होता है सो के देखोगे तो इतना दिमाग में नहीं जाएगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिंसेरिटी जरूरी है अच्छे से बैठना जरूरी है तभी वाइव होगा अगर लेट के देखोगे बेड से ऐसे रजाई करके तो नहीं होगा और ये सच्चाई है <laughs> ठीक है ऐसे नहीं करना है यू 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 गिव शुड शुड बी हैव अ फॉर दैट है ना नॉलेज है ना ये यू आर गेटिंग द नॉलेज सो उसको उसका आदर कीजिए ठीक है ना आपके सामने टीचर कोई भी खड़ा होता है ही और शी इज अ गुरु इन फ्रंट ऑफ यू वेदर यू यू आप उसको समझिए चाहे ना समझिए ठीक है ना देखा ना वो पुराने जमाने में गुरु गुरुकुल से ऐसे नीचे बैठा करते थे आई एम नॉट तुम वैसे हम धार्मिक हो जाए बट ये यू शुड हैव अ रेवरेंस ओनली देन द नॉलेज गोज योर हैड अदरवाइज नॉट देख लीजिए आपने क्या करना है राइट चलिए आधे इस पे एग्जाम्पल्स हैं बच्चे ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स वेरी मच क्लियर दैट यू नो ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स फिश से होना शुरू हुआ

ठीक तो लेकिन फंक्शन डिफरेंट है हम लोग चलने के, के ठीक है ना वेल, वेल मतलब स्विमिंग के काम आता है ठीक है ना बैट फ्लाइंग के मैमल है राइट सो लाइक दैट अच्छा उसके बाद क्या है लेग्स ऑफ इंसेक्ट भी वैसे ही है ना इंसेक्ट के लेग्स थॉन्स ऑफ बॉर्गन विलिया एंड ट्रेंड्रल्स ऑफ कुकुर बिटा ठीक है, bog, दोनों ही मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स हैं। क्या है बच्चे मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स है ये modified है। एक एक हो हो गया, गया। से बचने के लिए और एक climbing में हो गया. है ना अराउंड वो ऐसे इसके यूज में आता है ठीक like so, so है लाइक दैट सो एनीवेज सो ये एग्जांपल्स हैं बच्चे होमोलोग के बहुत इंपॉर्टेंट है लेट मी टेल यू बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप टेंथ की एन डाउनलोड कर लीजिए आपकी इच्छा है आपकी इच्छा है जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए तो ये मैंने आप सारी निकाल के आपके सामने रख दिया दैट इज इट गाइस तो आज हम लोग इतना ही करेंगे सो so, आज हमने बहुत कुछ काफी कुछ पढ़ लिया वैसे तो, तो आपने क्या करना है रिमेम्बरेंस इज वेरी इजी आपके माइंड में स्ट्रक्चर भी आ गया सब कुछ आ गया लेकिन आपको क्या करना है आपको उसको याद करना है अब जाके नाउ दैट इज नॉट कॉल्ड दैट याद करना इज नॉट कॉल्ड क्रैमिंग क्योंकि तुमने समझ के याद किया यू विल रिटेन इट फॉर द लॉन्ग टाइम यस गाइस यस ओके चलिए 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 थैंक यू वेरी मच गाइज थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सॉन्ग मैम सॉन्ग मै सॉन्ग देखा तुमने बीच में क्या करवाया मुझसे सॉन्ग बुलवा दिया पागल बच्चे एम एस नीट कोड आप यूज़ कीजिए और टू uh, थाउजेंड रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ठीक है ये डिटेल्स हैं क्रैश कोर्स के तो अगर आप लेना चाहें तो दीज आर द डिटेल्स यू कैन गेट ठीक है ये आपको सब कुछ मिलेगा बच्चे टू वे इंटरैक्टि ट्रिक्स एंड टिप्स सारा आपको सॉल्व अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग टाइम मिलेगा सो वेन ए यूज तो ये ले सकते हो सेवन डिसम्बर से स्टार्ट हो रहा है जो कि आज है है ना सेवन दिसंबर तो आज है एम एस नीट कोड यूज़ कर सकते हैं आज तो ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ है इफ यू आर न्यू टू द चैनल गाइड सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो राइट नाउ लाइक कर दो वीडियो को ठीक है एंड ये हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप एंड दिस इज द टेलीग्राम लिंक गाइड जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है तो टेलीग्राम इसको ज्वाइन कीजिए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक है सो सब्सक्राइब यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली ह्यूमन हेल्थ का मेंटी है पहले उसके पहले तो हमें मेमोनिक देंगे ह्यूमन हेल्थ के लिए ऐसे थोड़ी एनसी थोड़ा मेंटी ले लेंगे ठीक है ओ oh नो no, मेरा वो नहीं है oh, पिक नहीं है यहाँ पे पिक के बिना मजा नहीं आएगा फिर ऐसे मेरे हाथ ऐसे सर्दियों में ना वो आते हैं थोड़ा सा <laughs> <laughs> देखते हैं अच्छा चलो क्या सॉन्ग आते हैं आज मैंने सोचा नहीं है वैसे आज कुछ चलो <coughs> हम्म लेकर नहीं आ सकते ना माइक है उसकी वायर लगी हुई है मेरा हाल क्या है? वो बताती तुम <laughs> ये जब से YouTube सेशन शुरू हुआ है ऑनेस्ट कंफेशन है आई एम लाइकिंग इट ऑल्सो एट द सेम टाइम नो दाई लाइफ इज अपसाइड डाउन स्टार्ट सो मच एंड पुटिंग सो मच ऑफ इन टू दिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज बट यू बी एट द रिसेप्टिव एंड है ना दूसरे एंड पे रहो उसको लेने के लिए <laughs> चलो थैंक यू सो मच फॉर बींगर एंड बहुत सारा बहुत सारा प्यार सबको ठीक है और अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है डीट बस ले लो बस ठीक है नाम रोशन कर दो मेरा ठीक है चलो गॉड ब्लेस यू ऑल चलो बाय बाय है ब्रेकफास्ट जाओ 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 भी जाओ बाय